नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। कर्नाटक विधानसभा में तकिया कंबल लेकर क्यों पहुंचे कांग्रेस विधायक। चुनावी माहौल में तो वैसे ही सियासत गरमाई हुई है, जिसके बीच कर्नाटक विधानसभा में बीती रात अलग ही दृश्य देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन का एक ऐसा मंजर जिसमें कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा को ही अपना घर समझ लिया और तकिया कंबल लेकर चले आए। इनमें LOP सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार सहित पार्टी के कई विधायक शामिल रहे। ये राज्य के ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने और राष्ट्रीय ध्वज पर उनके बयान के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते ये विरोध शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक सरकार में मंत्री KS ईश्वरप्पा के भगवा झंडे और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दिए गए विवादित बयान का विरोध जारी रखा है। कांग्रेस के विधायक ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन BJP सरकार का कहना है कि ईश्वरप्पा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। गुरुवार रात राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सिद्धारमैया से बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। ईश्वरप्पा ने भी ये कहकर विवाद को और बढ़ा दिया था कि उन्हें प्रदर्शन करने दीजिए, मैं इनके दबाव में नहीं झुकूंगा। साथ ही कर्नाटक कांग्रेस की ओर से गुरुवार देर रात ट्वीट कर लिखा गया, ये हमारे देश में गर्व की बात है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा की रक्षा करनी है। जिस पार्टी ने देश का निर्माण किया वो कैसे पीछे हट सकती है और इसका अपमान होते कैसे देख सकती है। धरना उस समय तक जारी रहेगा जब तक KS ईश्वरप्पा के खिलाफ देशद्रोह का मामला नहीं दर्ज हो जाता। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में मुख्यमंत्री बोमई ने भी ईश्वरप्पा के बयान का समर्थन करते हुए उनकी बात को रखा और कहा, ईश्वरप्पा ने इस पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लाल किले पर तुरंत भगवा ध्वज फहराया जाएगा। उन्होंने कहा था कि 300 से 400 साल में ऐसा हो भी सकता है और नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया है और किसी को भी इसका अपमान नहीं करना चाहिए। बोमई का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर उनके बयान के एक हिस्से को सामने रख रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईश्वरप्पा ने कोई गलती नहीं की है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। धन्यवाद।